पुलिस ने बाजार में नकली नोट चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार की देर रात सिविल लाइन थाना प्रभारी दिनेश सिंह चौहान को सूचना मिली कि राजा राम नगर स्थित एक किराने की दुकान पर एक व्यक्ति नकली नोट चलाने का प्रयास कर रहा है। जब थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे तो लोगों ने नकली नोट चलाने वाले आरोपी अजय शेख निवासी स्वास्तिक नगर को घेर लिया था। पुलिस ने जब आरोपी की तलाश ली तो एक ही सीरीज के 1100 रुपए के नकली नोट उसकी जेब से बरामद हुए। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे यह नोट ललित निवासी आनंद बाग ने दिए हैं ताकि बाजार में इन्हें चलाया जा सके। पुलिस को दिए बयान में आरोपी अजैज ने बताया कि ललित अपने घर पर प्रिंटर में नकली नोट छापता है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामले में आरोपी अजैज और ललित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी ललित वर्मा की तलाश कर रही है। वहीं आरोपी अजैज को गिरफ्तार कर तबीयत खराब होने से उसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। सर, एक नकली नोट का कोई मामला आया था, उसमें क्या है पूरा मामला और क्या है पूरी घटना, कौन आरोपी? कल दिनांक 20/7/19 को एक मुखबिर द्वारा जो है हमारे सैनिक को सूचना दी गई थी कि रामनगर में जो किराने की दुकान है, सतीश नाम का एक व्यापारी है, उसको कोई व्यक्ति जो है उसकी दुकान पर सामान खरीदने गया है और उसके पास जो है नकली नोट है। इस पर जो है सूचना पर हम वहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ जाकर पाया कि वहाँ काफ़ी भीड़ थी। जब उस व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम एजाज शेख बताया, जो कि स्वास्थ्य कॉलोनी इटावा का रहने वाला है। वो उसकी तलाश ली तो हमने उसके पास से जो है वो एक ही हुलिये के जो है 11 नोट मिले हमको, जो कि टच करने से देखने से ही नकली नज़र आ रहे थे। इस पर से हमने वो नोट जब्त किए हैं, उसको आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसमें एक ही सीरीज के डबल नोट थे, जिससे स्पष्ट है कि वो नकली नोट है। और आज हम उसको न्यायालय पेश कर रहे हैं और उस बात की विवेचना की जा रही है कि वो नकली नोट को कहाँ से लाया। उससे पूछताछ की गई तो उसने ललित वर्मा नाम के व्यक्ति से उक्त नोट लाना बताया है, तो उसके भी हम पता रसी कर रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।